ये दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि जो बॉडी स्टाइल्स है जैसे हैचबैक, सेडान, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, सारे बॉडी स्टाइल्स के बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स आपको मैं बताने वाला हूँ आज। आप जब भी कार लेते हो तो आपको अपने फैमिली को कंसल्ट करना चाहिए। आप रिव्यूअर्स की बातों को उतना वैल्यू मत दो कि ज्यादातर जो ये रिव्यूअर्स होते हैं वो आपको अपना जो प्रेफरेंस है वो बताते हैं। आई एम ऑल्सो रिव्यूअर बट एट द सेम टाइम ये वीडियो मैं कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव आज बनाना चाहता हूँ। हैचबैक से शुरू करते हैं। हैचबैक्स हमेशा एक एंट्री लेवल सेगमेंट माना जाता था और आज भी एक एंट्री लेवल सेगमेंट ही बोला जाता है। अगर आप मर्सिडीज का ए क्लास भी लेते हो तो इंडिया में फैमिली बोलते हैं कि छोटी गाड़ी थी। अगर आप सिटी में चलाना चाहते हो 90% आपका सिटी में चलाना रहता है, आपको इजी टू ड्राइव कार चाहिए जो आप इजीली पार्क भी कर सकते हो, ट्रैफिक कंडीशंस में चलाना रहता है, आपके लिए हैचबैक एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि कॉम्पैक्ट डायमेंशन है, कहीं भी पार्क कर सकते हो, कहीं भी मैन्यूवर कर सकते हो, टर्निंग रेडियस बहुत कम रहता है इन कार्स का। अगर आपके बजट के लिमिटेशंस है तो आपको हैचबैक से ही स्टार्ट करना होगा क्योंकि कार की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे इंडिया में एटलीस्ट जो सेगमेंट है वो एक हैचबैक से स्टार्ट होता है। तो अगर आपका बजट लिमिटेड है, आपके पास बहुत सारे अच्छे हैचबैक्स के ऑप्शन है जो आपको बढ़िया सेफ्टी रेटिंग भी ऑफर करते हैं, तो कम बजट में आपको कार लेना तो भी आपको हैचबैक कंसिडर करना पड़ेगा। और जो थर्ड पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया में वो है मेंटेनेंस कॉस्ट। सिंस ये एंट्री लेवल के कार्स होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट और इसका जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉस्ट रहता है वो बहुत कम रहता है। मेंटेनेंस और माइलेज इंपॉर्टेंट है तो आपको हैचबैक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे जो ऑप्शंस है छोटे हैचबैक्स, एंट्री लेवल हैचबैक्स, वो आपको बढ़िया माइलेज और ठीक ठाक सर्विस कॉस्ट भी ऑफर करते हैं। कार में उतना इंटरेस्ट नहीं है आपको, यू आर बाइंग द कार प्योरली फॉर प्रैक्टिकलिटी और आपको चाहिए एक डिसेंट माइलेज उसके साथ गुड ओनरशिप कॉस्ट, तो आपको हैचबैक की तरफ जाना चाहिए। अभी कैसे कंज्यूमर्स को हैचबैक अवॉइड करना चाहिए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हैचबैक्स का है कि कार में इतना स्पेस नहीं होता है, इनका जो रेयर सीट का रिक्लाइन एंगल होता है वो भी उतना कंफर्टेबल नहीं हो। का बड़ा फैमिली है, हाईवे में ज़्यादातर चलाते हो, देन हैचबैक्स आर नॉट अ सेफ ऑप्शन। इनफैक्ट अगर आपका फैमिली बड़ा है, बजट लिमिटेड है, तो भी आपको बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस मिल सकते हैं लाइक टाटा टियागो जो आपको 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग ऑफर करता है, बट काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस है। अगर आप बजट को एक्सटेंड कर सकते हो तो कर लीजिए या प्रीमियम हैच की तरफ जाइए। एंट्री लेवल हैचबैक्स इनके लिए नहीं है जो स्पेस और कंफर्ट चाहते हैं ड्राइवर के लिए और पीछे बैठने वालों के लिए। अगर आप एक शोफर ड्रिवन कार लेते हो, आप खुद कार नहीं चलाने वाले और पीछे बैठने वाले हो, तो मैं आपको बोलता हूँ कि हैचबैक्स को अवॉइड कीजिए, ये आपके लिए नहीं है क्योंकि आपको उस तरह का कंफर्ट नहीं मिलेगा। आपको मैं अभी दूंगा टिप्स सजेशंस। अगर आपको एक कन्वीनियंस चाहिए हैचबैक का और आपको चाहिए प्रीमियम फीचर्स और स्पेस एक सेडान का, तो आप एक प्रीमियम हैच की तरफ जा सकते हो। प्रीमियम हैच के ऑप्शंस में बलिनो है जो बहुत बढ़िया स्पेस, माइलेज और रिलायबिलिटी ऑफर करता है। सेकंड ऑप्शन अल्ट्रोज है जो आपको बढ़िया सेफ्टी रेटिंग और बढ़िया फीचर्स ऑफर कर सकता है जो आप हाईवे में भी लेके जा सकते हो। और थर्ड ऑप्शन जो है वो है i20 जो आपको रिलायबिलिटी, डिसेंट माइलेज और बढ़िया फीचर्स ऑफर देता है। अभी हम सेडान्स की तरफ बढ़ते हैं। सेडान्स का जो वैल्यू है वो डाउन होते जा रहा है, बट जो लोग ड्राइव करना पसंद करते हैं और जिनको ड्राइविंग करना पसंद है, कार्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वो लोग सेडान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फोंडा सिटी ने इस सेगमेंट को बनाया था, नॉट टू फॉरगेट ST। आई थिंक देयर वर अ लॉट ऑफ कार्स इन इंडिया जो सेडान सेगमेंट को ऊपर लाया था। जब सेडान इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, इनको प्रीमियम कार्स माने जाते थे। इफ दोस गाइस हु रिमेंबर CLO इन द 90s, ये भी एक गेम चेंजर प्रोडक्ट था डेवो के तरफ से। ग्राउंड क्लियरेंस के इश्यूज की वजह से आपको बहुत ज़्यादा ड्राइविंग फटीग होगा क्योंकि आपको सोच समझ के चलाना पड़ेगा। इट विल बी अ वेरी टायरिंग जर्नी जो आपको बहुत इरिटेटिंग भी लग सकता है। सो अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस को वैल्यू करते हो, डोंट गो फॉर सेडान। अगर आपको कमांडिंग फील पसंद है, आप बिग कार चलाने का जो फीलिंग है वो आप कार के हाइट से एसोसिएट करते हो, तो आप सेडान को अवॉइड कीजिए, आपके लिए बिल्कुल नहीं होगा। अभी अच्छी चीज़ों की बात करें, माई पर्सनल फेवरेट इज अ सेडान क्योंकि एक तो आपको ड्राइविंग करने का जो फील होता है सेडान में, इट इज़ दी बेस्ट, हैंडलिंग ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहता है। आपको सेडान में जो फीलिंग मिलता है चलाने का वो आपको कॉम्पैक्ट SUVs ऑफर नहीं कर सकता क्योंकि कॉम्पैक्ट SUVs आर हायर फ्रॉम द ग्राउंड, यू विल एक्सपीरियंस बॉडी रोल, दैट इज समथिंग यू डोंट सी इन अ रियली नाइस सेडान लाइक वर्टर्स, होंडा सिटी। अगर ना आप सेडान की तरफ जाओगे, आपको कंफर्ट के साथ हैंडलिंग मिलेगा जो हम यूजुअली एसोसिएट नहीं करते हैं विद कॉम्पैक्ट SUVs।
उसके साथ जो बैक सीट कंफर्ट होता है सेडान में वो बेटर इसीलिए होता है क्योंकि इनके जो सीट्स के रिक्लाइन एंगल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ के कंपैरिजन में। फ्रंट सीट्स तो आपको नॉर्मल मिलेंगे बट जो रियर सीट का कंफर्ट लेगरूम होगा इन अ फुल साइज सेडान इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर देन अ हैचबैक एंड इन सम केसेस इवन बेटर देन अ कॉम्पैक्ट एसयूवी। आप प्रैक्टिकलिटी और स्पेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, आपका बड़ा फैमिली है, आप हाईवे में ज़्यादातर चलाते हो, सेडान्स में बूट स्पेस और रेयर लेगरूम का स्पेस बेटर होता है, सो आपके लिए सेडान एक बेटर कार हो सकता है। सो इफ़ यू कंपेयर हैचबैक्स एंड सेडान्स, आई फील कि सेडान पे अपग्रेड करना इज मोर सेंसिबल क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा बूट स्पेस और एक्स्ट्रा लेगरूम मिलता है इट इज़ टोटली वर्थ इट। अभी हम बढ़ते हैं सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ की तरफ। आई थिंक सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कम प्राइस में बढ़िया फीलिंग मिलता है, आपको एक ऐसा फीलिंग मिलता है कि आप एक कमांडिंग कार चला रहे हो। सेकंड चीज़ जो आपको बढ़िया लगेगा इस कार में कि अच्छे प्राइस में आपको हैचबैक से अच्छे फीचर्स मिलते हैं, यू गेट अ प्रीमियम व्हील। और इन कार्स को लेने के बाद लोग आपको बोलेंगे कि भाई बड़ी गाड़ी ली है। हैचबैक के प्राइस में आप सब कॉम्पैक्ट एसयूवी भी लेते हो, इवन इफ हैचबैक्स आर बिगर देन द सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, लोग फिर भी आपको इंडिया में बोलेंगे, फैमिली बताएंगे आपको कि भाई बड़ी गाड़ी लिया है, तो वो आपके लिए स्टेटस सिंबल मैटर करता है, देन आपको सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहिए। अब इनके प्रॉब्लम्स की बात करें, जितना आप सोचते हो कम्फर्ट उस तरह का कम्फर्ट आपको नहीं मिलता है। हैचबैक और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जो जब मुझे लोग पूछते हैं, मैं इनको हैचबैक रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मोस्ट केसेस हैचबैक में जो स्पेस और फीचर और कम्फर्ट आपको मिलता है इट इज सिमिलर प्राइस ब्रैकेट, इट इज़ सो मच बेटर, सो यू आर सेविंग मनी जस्ट आपके फील के लिए, ड्राइविंग और कमांडिंग फील के लिए आपको सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ जाना होगा। अगर आपको फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप प्लीज़ हैचबैक की तरफ जाओ, इट इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। बट अगर आप खराब रास्तों पे चलाना चाहते हो, उसके साथ आपको फील चाहिए, देन सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज आर अ गुड ऑप्शन। अब सब कॉम्पैक्ट एसयूवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि सब कॉम्पैक्ट एसयूवी एक अंडर 4 मीटर कार होता है, मतलब सब कॉम्पैक्ट एसयूवी इज़ एक्चुअली ए प्रॉपर हैचबैक। लेंथ की भी बात करें तो ओनली डिफरेंस इन अ सब कॉम्पैक्ट एसयूवी इज़ यू आर गोइंग टू सिट मच हायर फ्रॉम द ग्राउंड। कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करें, आपको सारे जो बेनिफिट सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में मिलता है वही आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी में मिलता है, बट कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैचबैक से बेटर होते हैं। अगर आप अपना बजट एक्सटेंड कर सकते हो हैचबैक्स के ऊपर तो डोंट गो फॉर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, गो फॉर अ कॉम्पैक्ट एसयूवी। कार्स लाइक एलिवेट, टाइगून, कुशाक ऑल कम अंडर कॉम्पैक्ट एसयूवी जो आपको सेडान जितना स्पेस ऑफर करते हैं और सेडान जितना कंफर्ट और फीचर्स ऑफर करते हैं। बट लेट मी स्टॉप देयर एंड लेट मी करेक्ट माइसेल्फ बाय लेटिंग यू नो कि ये सेडान जितना कम्फर्ट आपको ऑफर नहीं करेंगे क्योंकि जो रेयर सीट का जो कम्फर्ट सेडान में आपको मिलता है और जो बॉडी कंट्रोल हैंडलिंग सेडान में मिलता है ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में नहीं मिलेगा। अभी हम बात करते हैं प्रॉपर एसयूवीज के बारे में। ये जो कार्स है लैडर फ्रेम चैसी पे बने होते हैं, ये बने होते हैं रगेड स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे जो बहुत ज़्यादा एब्यूज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर आप खराब रास्तों में चलाना चाहते हो, ऑफ रोडिंग टेरेन है, आपको फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, देन यू शुड गो फॉर एन ऑफ रोडिंग कार। ऑफ रोडिंग कार के ऑप्शंस की बात करें, मैं आपको दो कार रिकमेंड करूंगा। आपका फैमिली है और आपको एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग कार लेना है, देन यू कैन गो फॉर स्कॉर्पियो N, विच इज़ अ ब्रिलियंट ऑप्शन। बजट आप बढ़ा सकते हो, देन यू कैन गो फॉर ऑप्शंस लाइक फॉर्च्यूनर, विच इज़ अगेन ए रियली गुड ऑफ रोडिंग कार। अगर आप पिकअप ट्रक लेना चाहते हो तो हाइलक्स और डी मैक्स ऑप्शन है आपके पास, ये भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अभी नाउ लेट मी ब्रेक दिस डाउन क्विकली बाय गिविंग यू सम गुड सजेशंस ऑन हैचबैक्स, सेडान एंड कॉम्पैक्ट एसयूवी, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी और ऑफ रोडिंग कार। आप अगर हैचबैक लेना चाहते हो एंट्री लेवल और आपको चाहिए लो मेंटेनेंस कॉस्ट और टेंशन फ्री कार विद बेस्ट रीसेल वैल्यू, गो फॉर ऑल्टो। उसके ऊपर आपका फैमिली है, आपको हैचबैक ही लेना है बट थोड़ा सेफ्टी भी मैटर करता है, टियागो की तरफ जाओ। अगर आप सिटी में ज़्यादातर चलाते हो और आपका कोई बड़ा फैमिली नहीं है, यू वॉन्ट कन्वीनियंस एंड ईजी टू ड्राइव कार, गो फॉर वैगनआर या सेलेरियो। अगर आप अंडर 4 मीटर सेडान लेना चाहते हो तो आप टिगोर या अमेज की तरफ जा सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट ए कार विथ ग्रेट स्पेस, गुड ड्राइविंग फील एंड डिसेंट प्रैक्टिकलिटी एंड रिफाइनमेंट, गो फॉर होंडा सिटी। अगर आप ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और आपको बॉडी स्टाइल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वर्टस या स्लाविया की तरफ जा सकते हो। उसके ऊपर जो एक्सयूवी 3XO है इज़ ए किंग इन सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज। अगर आप एक कंप्लीट कार लेना चाहते हो और आपको बजट नहीं बढ़ाना है
टाइट बजट में लेना है तो 3XO बेटर ऑप्शन है आपके लिए, जो हाईलाइनर भी यूज कर सकते हो। अगर आपको एक ऑलराउंडर प्रैक्टिकल कार लेना है तो आप एलिवेट ले सकते हो। अगर आपको एक SUV फील के साथ ड्राइविंग प्लेजर चाहिए और टाइगोन या पोशाक ले सकते हो। अगर आपको एक फैमिली कार 7-सीटर लेना है जो आप जिसमें आपको रिफाइनमेंट और रिसेल वैल्यू और ट्रस्ट चाहिए ब्रांड्स है, तो अर्टिगा की तरफ जा सकते हो। आपको लग्जरी चाहिए थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो तो आप अल्काज़ार या कैरेंस की तरफ जा सकते हो। अगर आपको एक लग्जरी 7-सीटर फैमिली कार लेना है एट अ रियली गुड बजट बट इट्स हैव ऑफ रोडिंग फीचर, आप स्कॉर्पियो एन की तरफ जा सकते हो। अगर आप बजट बढ़ा सकते हो एंड यू वांट अ रियली गुड ऑफ रोडिंग कार, आप हाइलक्स या फॉर्च्यूनर की तरफ जा सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शन दैट आई वुड पर्सनली सजेस्ट टू यू। अगर आपको कुछ भी पूछना रिलेटेड टू एनी बॉडी स्टाइल प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये वीडियो जो है ये बेसिकली एक ऐसा वीडियो है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको अगले वीडियो में आंसर करूंगा। बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे बात करके, फिर से मिलेंगे, टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट, बाय बाय।